You are watching Physics and Mathematics lecture on my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद आलम आप सभी का स्वागत करता हूँ नौशाद आलम क्लासेस में। आप सब जानते हैं कि पिछला नोटिस आपके पास गया होगा, यूट्यूब पे आपने देखा भी होगा ना। हमने नोटिस में क्या बोला था आपको कि 11th की क्लासेज बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो समय आ गया है 11th के क्लास को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं 11th का बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट। ठीक है, तो जितने भी लोग 10वीं पास करके घर में बैठे हुए बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो अब उनको बोरियत महसूस होने की जरूरत नहीं है, और बोरियत महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लासेज स्टार्ट हो रही है ना। धीरे धीरे ही सही अब क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को फिर से अपनी पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं, जितने भी 10वीं क्लास के स्टूडेंट जो अभी पास आउट किए हैं और 11th में जाने वाले हैं, चले गए, ठीक है ना, तो वो फटाफट क्या हो जाए, मेरे चैनल से आके जुड़ जाए। ठीक है, और चैनल से जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो जितनी भी आती है लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें नहीं पता है, जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, ताकि वो लोग भी क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नहीं बेसिकली हमने जो नोटिस दिया था पिछले दिनों, उस नोटिस में बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। पहले स्टार्टिंग के 5-6 दिन बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडुलस। ठीक है, स्टार्टअप हम करने वाले हैं मॉडुलस से। मॉडुलस क्या होता है, बेसिकली मापांक होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ टॉपिक लिख दिया है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। मॉडुलस को हम लोग मापांक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिफिनिशन लिखा हुआ है, दो डिफिनिशन है आपको इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में, दोनों तरह से डिफिनिशन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड एज कैसे, ऐसे, एंड डिफाइंड एज ऐसे। ठीक है, ये हमारा ये हो गया, हिंदी में समझ ले इसको। बोला है क्या कि मापांक फलन को हमेशा, ये सिंबल है मॉडुलस का, ठीक है ना, यानी कोई भी मापांक का या मॉडुलस का, ये हमारे पास सिंबल है, ऐसा सिंबल दिया जाता है। कैसा, ये दो खड़ा सिंबल। ठीक है, ये सिंबल होता है हमारा किसका, मॉडुलस का। तो इससे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, मतलब जब भी आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले, मान लेते हैं आपको लिख दिया कि ऐसा x+2, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मोड ऑफ x+2, ये पढ़ने का तरीका होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ x+2, या फिर आपको लिख दिया x-5 या 2x-5, वो भी मोड में, इक्वल टू मान लेते हैं दे दिया आपको 7। ठीक है, ऐसा दे दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मोड ऑफ 2x-5=7। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, मापांक फलन को हमेशा ऐसे दर्शाया जाता है एवं ये सिंबल दिया से परिभाषित किया जाता है। मतलब ये fx का मतलब क्या होता है, fx आपको नया चीज मिल रहा होगा। ठीक है, fx का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पीछे 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे आप कोई सा भी फंक्शन पढ़ते, कोई सा भी ये पढ़ते हैं, टर्म पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने देखा होगा x² या फिर आप साइन एक्स वगैरह सब पढ़ते होंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है ना, तो ये सब जो है ना, ये फंक्शन है, ये अलग अलग फंक्शन इसको बोले जाते हैं, फंक्शन मतलब फलन। ठीक है, फलन इनको बोला जाता है, फंक्शन को क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। fx का मतलब यहाँ देख लें, यहाँ पे हम लिख देते हैं fx को क्या बोलते हैं, fx को बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फलन। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, fx को हम लोग बोलते हैं फंक्शन या फिर फलन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अलग अलग टर्म होते हैं, जैसे अगर हमने x² लिखा है या फिर x लिखा है, 2x लिखा है, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक मतलब होता है बीजगणितीय, तो एक नया फंक्शन होगा जिसमें x, y, z ये सब आएंगे ना, तो वो सब चर नंबर जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा अलजेब्रिक, इनको बीजगणितीय फलन बोलेंगे। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और समथिंग कुछ आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। सेम उसी टाइप से है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे अगर आपको fx लिखा हुआ है, तो fx कुछ भी हो सकता है, वो sin x होता है, हो सकता है 2x+5 हो सकता है, x+2 हो सकता है, यानी जो अंदर में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, वही हमारे पास क्या है, fx है। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा, तो यहाँ हमने लिख दिया गया कि मापांक फलन को हमेशा मोड से दर्शाया जाता है इससे, एवं मोड ऑफ fx, इसको पढ़ते हैं मोड ऑफ fx। ठीक है, से क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, मतलब अगर मोड लगा के लिख दिया fx में, तो वो हो जाएगा हमारा उसका डिफिनेशन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे ये हम थोड़ा सा रफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा सा,
तो यहाँ पे लिखा कि मोड ऑफ इफेक्ट, यहाँ हमने लिख दिया है क्या होता है, एफएक्स होता है, मोड ऑफ एक्स एफएक्स बराबर होता है किसके, एफएक्स के, यदि एफएक्स ग्रेटर देन जीरो, क्या हो, एफएक्स जो है ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन है पूरा मोड का, ये एक एक कंडीशन है हमारे पास मोड का, समझेंगे इस चीज को, यदि मोड ऑफ एफएक्स क्या हो, बराबर के आ जाए एफएक्स आ जाए, मोड ऑफ एफएक्स बराबर आ जाए एफएक्स के, कब कब आता है, जब एफएक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो जाता है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि एफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है, यानी वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, ठीक है, जब वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होगा यानी फंक्शन जो है धनात्मक होगा तो हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे, किसको, ये मोड को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, केवल एफ एक्स लिख देंगे, ठीक है, ये आने वाले क्लासेज में बहुत इंपॉर्टेंस रोल निभाता है जी, बेसिकली ये मॉडुलस सबको बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, हमने यूट्यूब पे खासकर आपके लिए मॉडुलस प्रोवाइड करा है, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस का क्या रोल है आपको आने वाले क्लासेज में पता चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ठीक है, तो ये मोड हटा, एफ एक्स लिखती है, एफ एक्स कैसे लिखे, जब धनात्मक होगा एफ एक्स, समझ में आ रहा, अच्छा, फिर दूसरा हमने लिखा इसी मोड को, इसी वाले चीज को, अब अगर हम मोड को हटाएंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है माइनस, क्या लिखा है, माइनस लिखा है, माइनस ऑफ एफएक्स, क्या लिखा, एफएक्स में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो माइनस जब लगा देते हैं फंक्शन में तो वो कब लगता है, जब एफएक्स जो है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब ऋणात्मक हो, ठीक है, यानी जब एफएक्स जो होगा हमारे पास लेस देन जीरो होगा, यानी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव होगा मतलब साइन एक्स में माइनस लगा होगा, एक्स में माइनस एक्स लगा होगा, इस टाइप का टर्म होगा, तो क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा, तो एफ एक्स लेस देन जीरो, कब, एफ एक्स जब लेस देन जीरो होगा तो क्या बनेगा, माइनस एफ एक्स बनेगा, समझ में आया, ठीक है, अब इस नेक्स्ट कंडीशन लिख दिया, तीसरा कंडीशन क्या, जीरो, यानी मोड ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, तो मोड ऑफ एफ एक्स जीरो कब बनेगा, जब ये अंदर वाला पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब अंदर वाला पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये कंडीशन है, और इस कंडीशन का अप्लीकेशन कैसे करते हैं, पहले आप इसे क्लियर करें, अपने कॉपी पे नोट करें आराम से, और उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन समझाते हैं, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, चलिएगा देखेंगे, हमने पीछे हमने बताया क्या मॉडुलस को क्या लिखते हैं, मॉडुलस धनात्मक होता है कब, जब एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, मैं धनात्मक हो कब, जब एफ एक्स का मान हो जीरो से बड़ा, ठीक है, दूसरा कंडीशन हमने बताया कि एफ एक्स क्या हो, जब जीरो से छोटा हो तो क्या लिखते हैं, माइनस एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, अच्छा, और तीसरा कंडीशन हमने बताया क्या, एफ एक्स जो है जीरो हो, कब, जब एफ एक्स वैल्यू जीरो कब होगा, जब एफ एक्स का मान कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है, ए मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब मापांक फलन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है, मापांक फलन हमेशा धनात्मक होता है, जरा इसको आराम से समझते हैं, फिर आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है, देखिएगा जरा सा धनात्मक कैसे होता है, जैसे अगर हम मान लेते हैं एक हमारे पास फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको हम ग्राफिकल मेथड से समझाते हैं, हमारे पास फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास हो गया, अच्छा, तो वाई इक्वल टू एक्स का अगर हमको पूछा जाए कि ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ आप दसवीं क्लास में खूब भर के पढ़े हैं ना, ठीक है, देखिए जरा हम ग्राफ बना के दिखाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको याद होगा ये वाला चीज है ना, ये देखिए, ये हम जरा सेट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हुआ एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, क्या करते हैं हम लोग, एक्स की जगह पर जीरो रखते हैं, तो एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, जीरो आएगा, अगर वाई की जगह पर जीरो रखें तो एक्स का मान भी कितना आएगा, जीरो, तो जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, जीरो कोमा जीरो आएंगे, तो हमारे पास पॉइंट्स आ गया जीरो कोमा जीरो और जीरो कोमा जीरो, दो पॉइंट्स हमारे पास जीरो जीरो आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा, अब हमको ग्राफ खींचना है, मान लेते हैं हमको ग्राफ खींचना है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, अच्छा, तो पॉइंट्स क्या है, जीरो कोमा जीरो ही है, तो जीरो कोमा जीरो कहाँ पे आएगा, यहीं पे आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जीरो कोमा जीरो आएगा ना, अच्छा, तो अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, दोनों पॉइंट तो उसी पे है, तो ग्राफ को ऐसे मिला लेंगे, ये हमारा ग्राफ जाके मिल गया इसमें, तो ये किसका ग्राफ हो गया, वाई इक्वल टू एक्स का हमारे पास ग्राफ हो गया, ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर इस सवाल में क्या हो, क्या चेंजेस हो, अगर हमसे कह दे ये हमारा वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, लेकिन अगर हमसे कह दे बताइए वाई इक्वल टू मोड एक्स, वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बताइए, वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ क्या होने वाला है, वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, तो यहाँ जो पॉइंट्स लिखा हुआ ये पॉइंट आपको याद दिला देगा,
ए मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जो फंक्शन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। यानी जो ग्राफ हमारे पास एक्स के नीचे आ रहा है, आप जानते हैं ये वाला हिस्सा क्या होता है, निगेटिव होता है ना, ये निगेटिव होता है, ये नीचे वाला हिस्सा भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो रहा है, हमको ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, धनात्मक होता है। जब ये वाला पार्ट निगेटिव हो रहा है तो आप जरा समझिएगा इस चीज को, अगर ये निगेटिव हो रहा है तो क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है जो नीचे की तरफ आया है, जब उसमें मोड लगेगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ टूर के ऐसे घुमा देंगे, यहाँ से हमारा ये सीधे ऐसे चला आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? मॉडुलस फंक्शन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, यानी अगर ग्राफ आपका निगेटिव एरिया में जा रहा है तो उस बाउंड्री को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे, सेम टू सेम, वहां पे एक तरह से मिरर लगाकर। तो हमने यहाँ से पकड़ा इस ग्राफ को, ऐसे पूरा टर्न करते हुए ऊपर की ओर सेट कर दिया, तो ये जो बनेगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला हिस्सा जो होगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का ग्राफ हमारे पास हो जाएगा। फिर से देख लें, पूरा क्लीन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास था नीचे तक किसका, एक्स का ग्राफ, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, मॉड एक्स चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा किसका ग्राफ, ये हमारे पास वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ निकल के चला आएगा। तो कहने का बेसिक सा मतलब क्या है कि मॉडुलस जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल से हमको बहुत अच्छे रूप से और क्लियरली ढंग से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया है, मोड ऑफ एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एट, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करा दे, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है मॉडुलस को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मॉडुलस के अंदर में जो भी वैल्यू दिया हुआ है इसको कंडीशन के हिसाब से क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से सेट करेंगे। और इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, नंबर लाइन की, नंबर लाइन की, इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी नंबर लाइन की, यानी जो संख्या रेखा हम लोग जानते हैं उसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे सेट कर लेंगे। एक्स प्लस फाइव को हमने सेट करा ये फाइव, ठीक है, एक्स प्लस फाइव को अगर हम नंबर लाइन पे सेट करेंगे, जरा समझिएगा, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, मान लेते हैं ये हमारे पास जीरो है, हमने अंदर वाले वैल्यू को कर दिया जीरो के बराबर, कंडीशन होता है ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस फाइव को हमने जीरो के बराबर करा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस पांच आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे माइनस पांच को क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो माइनस पांच जो हो गया वो हमारा एक बाउंड्री लाइन हो गया, क्या हुआ, बाउंड्री लाइन। तो जब ये बाउंड्री लाइन हो गया तो ये अगर हम बोले तो अगर बाउंड्री लाइन से इधर जाएंगे दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ इस माइनस पांच के हिसाब से क्या होगा, धनात्मक पोर्शन होगा, हालांकि ऋणात्मक ही होगा, लेकिन माइनस पांच के हिसाब से क्या होगा, ये इधर वाला एरिया क्या होगा, कम होगा, माइनस चार होगा, माइनस तीन होगा, यानी बेसिकली धनात्मक वैल्यू बनेगा माइनस पांच के हिसाब से। लेकिन अगर इधर चले इस साइड में, तो इस साइड में क्या बनेगा, ऋणात्मक वैल्यू बनेगा, यानी और निगेटिव जाएगा, जाएगा ना। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, बनाते हैं केस, केस बनाते हैं। और केस क्या बनेगा आपको, केस बनेगा आपके पास दो, क्या के केस, क्या क्या केस बनेगा, कि यदि एक्स जो है लेस देन माइनस फाइव हो, माइनस पांच से छोटा, तो माइनस पांच से छोटा किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, माइनस पांच से छोटा इस साइड में जाएगा। और दूसरा केस बनेगा, केस फर्स्ट हमारे पास हो गया, और दूसरा केस क्या बनेगा, यदि एक्स जो है ग्रेटर देन क्या हो, माइनस फाइव हो, दूसरा केस बनेगा आपको माइनस फाइव से बड़ा, तो माइनस फाइव से बड़ा कौन सा वाला इलाका होगा, ये वाला इलाका होगा हमारा माइनस फाइव से बड़ा। दो केस बनाया, जब भी आपको वैल्यू दिया हो कोई भी मोड में, तो मॉडुलस को हटाने के लिए, तो हटाने के लिए प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हमको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्या करेंगे, नंबर लाइन पे नंबर को सेट करेंगे अंदर वाले वैल्यू को। तो कैसे पता चलेगा, अंदर में दिया एक्स प्लस फाइव, उसको हम लोग कर देंगे जीरो के बराबर, तो एक्स का मान कितना निकल के आ गया, माइनस पांच। अब इस माइनस पांच को हम नंबर लाइन पे लाके रख दिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस पांच जो है एक हमारे पास नंबर है जो निगेटिव नंबर है, ठीक है, लेकिन माइनस पांच से अगर छोटा, माइनस पांच चार अगर लेके चले, तो माइनस चार जो है माइनस पांच से क्या है, बड़ा है, यानी अगर माइनस पांच कर्जा वाला सिस्टम है तो हालांकि माइनस चार भी छोटा ही है, लेकिन क्या है, निगेटिव ही है, लेकिन क्या है, माइनस पांच की अपेक्षा वो बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला इलाका इधर वाला क्या होगा, एक्स से बड़ा हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस पांच, यानी माइनस पांच से इधर वाला बड़ा वाला होगा, माइनस पांच से छोटा किधर होगा, इधर इधर साइड, यानी माइनस छ, तो यानी ज्यादा निगेटिव होगा माइनस पांच से। तो ये हमारे पास बन गया दो केस। अब इस दो केस को क्या करेंगे हम लोग, आराम से सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा जरा से।
क्या करना होगा, केस फर्स्ट, हम यहाँ केस फर्स्ट को उठाते हैं, केस फर्स्ट को उठा के चलते हैं। क्या केस बना है हमारा, x लेस देन माइनस फाइव, तो x का मान हो गया लेस देन माइनस पांच, ठीक है, x का वैल्यू हुआ हमारे पास लेस देन माइनस पांच। तो अब इस माइनस पांच को यहाँ पे ला के रखेंगे, माइनस पांच से छोटा, क्या लिखा है, x माइनस पांच से क्या हो, छोटा हो, तो माइनस पांच से छोटा क्या होगा, यहाँ देखिए तो अगर ये माइनस पांच है तो माइनस पांच से छोटा माइनस छ होगा, माइनस सात होगा, माइनस आठ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो माइनस छ हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से, हमने एज्यूम कर लिया कि जो x का वैल्यू है माइनस छ है, एज्यूम करा है, एग्जैक्टली नहीं एज्यूम करा है, तो हमने एज्यूम करा माइनस छ, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस छ अब प्लस कितना पांच, तो माइनस छ अब प्लस पांच अगर रखेंगे तो क्या होगा, अंदर में क्या होगा, ऋणात्मक बनेगा ना, अंदर में ऋणात्मक बनेगा। तो हमने कंडीशन बताया था अभी स्टार्टिंग में कि अगर एफ एक्स क्या हो, लेस देन जीरो हो, यानी जीरो से छोटा हो, यानी ऋणात्मक हो, अंदर वाला जो एफ एक्स है ऋणात्मक होगा, तो क्या करते हैं माइनस लिखते हैं और एफ एक्स को लिख देते हैं, यानी अंदर में जो एफ एक्स है उसको लिख देते हैं और क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लगा देंगे और ये मोड हमारा हट जाएगा, और क्या लिखेंगे इसको, एक्स प्लस फाइव को लिख देंगे, एक्स प्लस फाइव को हमने लिख दिया और बाहर में क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, आठ के। ये बन गया हमारे पास केस फर्स्ट। फिर से समझिएगा, अगर x जो है माइनस पांच से छोटा होगा, x क्या होगा माइनस पांच से छोटा होगा, तो माइनस पांच से छोटा होगा तो क्या होगा, माइनस छ होगा, यहाँ पे रखा माइनस छ, माइनस छ प्लस पांच कितना आएगा, माइनस वन, तो अंदर में क्या बन गया, निगेटिव। तो हमने बताया जब निगेटिव बनता है एफ एक्स तो क्या करते हैं, माइनस एफ एक्स लिखते हैं, तो माइनस लिखा और ये एफ एक्स था तो एफ एक्स को लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस पांच इक्वल टू कितना हो जाएगा, आठ, ठीक है। अच्छा तो आंसर क्या बनेगा, माइनस एक्स इक्वल टू आठ और ये पांच उधर जाएगा प्लस पांच, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का तेरह हमारे पास निकल के चला आएगा। तो ये हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया माइनस का तेरह। अच्छा दूसरा केस क्या था, दूसरा केस में था ना एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव, तो यहां चलते हैं एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव सेकेंड केस में, तो माइनस फाइव से बड़ा, तो माइनस फाइव से बड़ा क्या, माइनस फोर माइनस थ्री ये हो सकता है, मान लेते हैं माइनस फोर है, ठीक है, तो माइनस फोर अगर हम इस क्वेश्चन में लाकर रखें तो माइनस फोर और प्लस फाइव, तो माइनस चार और प्लस पांच कितना हो जाएगा, प्लस वन बनेगा, तो प्लस वन बनेगा यानी अंदर में क्या बन रहा है, धनात्मक बनेगा। कंडीशन देखिए, ए मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अंदर में धनात्मक बनेगा। तो केस नंबर फर्स्ट याद करिए जो स्टार्टिंग में बताया, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो तो क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं, तो जब अंदर में धनात्मक बनेगा तो मोड हटा देंगे और सिर्फ अंदर वाला वैल्यू लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस फाइव और किसके बराबर, आठ के। क्लियर है, जब अंदर में धनात्मक बनेगा तो मोड हटेगा और अंदर में जो कुछ भी होगा उसको लिख देंगे और किसके बराबर हो जाएगा, आठ के। एक्स का वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आठ माइनस पांच कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास तीन। तो हमारे पास दो वैल्यू बने एक्स के, एक्स का वैल्यू एक बना कितना, माइनस का तेरह, और एक्स का वैल्यू कितना बना आपका, थ्री बना। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आराम से इसे नोट करें, फिर हम कुछ क्वेश्चन और आपको, वीडियो को छोटा रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग इंप्रूव करेंगे, एक दिन और क्लास लेंगे मॉडुलस पे और खूब डिस्कशन करेंगे, पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और समझा के उसके बाद आपको लेके चलते हैं होमवर्क में। चलो ठीक है, चलते हैं देखते हैं एक और क्वेश्चन और फिर इसको क्लियर करते हैं। ठीक है ना, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है मोड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल है, मोड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन, तो इसको बनाने का तरीका हमारे पास वही रहेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना होता है, अंदर का जो मोड के अंदर में जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, जीरो। तो हम पहले सिंपल इसका जीरो कर लेते हैं, एक्स माइनस टू बराबर जीरो, अब जानते हैं एक्स का वैल्यू कितना आएगा, टू आएगा। अब इस टू को हम करेंगे नंबर लाइन पे सेट, हमने कर दिया इसको सेट। तो केस क्या बनेगा, केस हमारे पास दो बनेगा, केस क्या बनेगा, दो। तो दो केस बनेगा, एक तो इधर वाला केस और एक इधर वाला केस। तो यहाँ पे एक केस लिख लेते हैं, केस फर्स्ट। केस का फर्स्ट होगा क्या, एक्स का जो मान होगा वो दो से क्या होगा, छोटा, इधर वाला दो से छोटा होगा। और दूसरा केस क्या होगा, केस सेकेंड में बनेगा हमारा एक्स ग्रेटर देन टू। तो ये हमारे पास दो केस बन के निकल के आ जाएंगे, एक्स ग्रेटर देन और एक्स लेस देन टू और एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, अच्छा अब इस केस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो
तो केस फर्स्ट को उठाते हैं, केस फर्स्ट मोड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन। तो केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि एक्स जो है लेस देन टू है, एक्स जो है क्या है लेस देन टू, यानी टू से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। और टू से छोटा यानी क्या, टू से छोटा वन हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो मान लेते हैं वन है, अपने से मान लिया वन, वन यहाँ पे लाके रखिए, वन माइनस टू, तो वन माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस वन होगा ना, तो अंदर में क्या बनेगा माइनस बनेगा, बनेगा ना। तो अंदर में जब माइनस बनेगा तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम मोड ऑफ, अब यहाँ पे क्या होगा मोड हटेगा, तो जब भी निगेटिव अंदर के अंदर निगेटिव बनता है तो माइनस लगाते हैं और फंक्शन को उतार देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और फंक्शन क्या है एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन होगा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इस माइनस को उधर भेज दिया जाए दूसरे साइड बराबर के साइड में, तो सेवन के साथ लग जाएगा माइनस, तो ये बनेगा एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस सेवन। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस सेवन प्लस टू, माइनस सेवन प्लस टू यानी माइनस सेवन प्लस टू कितना हो जाएगा माइनस फाइव, हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस फाइव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास देखिएगा फिर से यहाँ पे, और अगर नीचे में नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस का सेवन। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस सेवन प्लस टू, माइनस सेवन प्लस टू यानी कितना हो जाएगा माइनस का फाइव, यानी हमारे पास x का वैल्यू आ गया माइनस का फाइव। किस केस से, जब x लेस देन टू हो। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, केस सेकेंड में हमारे पास क्या था x ग्रेटर देन टू था, यही था x ग्रेटर देन टू हमारे पास था दूसरा नंबर केस। जब दूसरे केस को लेके चलेंगे तो क्या होगा, x जो है दो से बड़ा, तो दो से बड़ा क्या होना चाहिए x का वैल्यू दो से बड़ा, तो दो से बड़ा क्या होगा आपका तीन हो जाएगा, होगा ना। तो तीन होगा तो जब तीन रखेंगे यहाँ तो थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू कितना वन, तो वन क्या होता है धनात्मक होता है। जब भी धनात्मक होगा तो क्या होगा आपका मोड खत्म हो जाएगा, तो मोड खत्म हो जाएगा यानी क्या लिखेंगे x माइनस टू और किसके बराबर हो जाएगा सेवन के बराबर हमारे पास हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा सेवन प्लस टू नाइन, तो हमारे पास आंसर आ गया आपका एक नाइन और दूसरा कितना आ गया x इक्वल टू माइनस का फाइव। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये होता है पूरा प्रोसीजर बनाने का। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो हमारे हमने दो क्वेश्चन कराया आपको, तो इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में नोट कर लें, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं बनाकर। ठीक है, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप उसे मैसेज कर सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, चलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन वन, मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव इक्वल टू थर्टीन, मोड ऑफ टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू सेवन। तीसरा क्वेश्चन, मोड ऑफ एक्स प्लस नाइन इक्वल टू फिफ्टीन, मोड ऑफ एक्स प्लस नाइन इक्वल टू कितना फिफ्टीन। चौथा, मोड ऑफ एक्स प्लस सेवन इक्वल टू नाइन। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे, मोड ऑफ 2x माइनस थ्री इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो ये पांच क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे कोने पे लिख रहे हैं, दिख रहे होंगे होमवर्क टाइप के। ठीक है, तो आप इस मोड का पूरे कंसेप्ट को वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हुए आराम से समझते हुए कॉपी पे नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाकर क्या करेंगे एग्जाम्पल को उसको नोट्स में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को और 11th के लिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे बने रहें, अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक करना कमेंट करना ना भूले। जितने भी लोग आपको चैनल पे वीडियो देखें वो कमेंट जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगले के सेशन में। थैंक यू।